हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टील पोल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने सीमेंट कंक्रीट पोल, वुड पोल, स्टील पोल, काफ़ी पोल्स के बारे में बता दिया है, काफ़ी पोल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है डिटेल में। जाकर देख लीजिए अगर आपने हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यह एक इस्पाती जालक खंभों का एक ही विकसित रूप है, मतलब जो हमारे स्टील पोल है उनका एक विकसित रूप है, जिसकी संरचना चार टांगों पर की जाती है। इसके चार जो टांगें होती हैं, इसकी ऊंचाई तथा यांत्रिक सामर्थ्य अपेक्षाकृत अत्यधिक होती है। इसकी जो यांत्रिक सामर्थ्य होती है अत्यधिक होती है, जिससे कि हमारे बाहरी जो आघातों से प्रॉब्लम ना हो। अगर ये बाहरी आघातों से खराब हो जाएगा तो ये पूरा टावर झुक जाएगा और वायर खराब हो जाएंगे और हमारा फॉल्ट की स्थिति बन जाएगी। ओके, तड़ित प्रभाव से सेफ रखने के लिए टावर को अर्थ किया जाता है। अब तड़ित प्रभाव क्या है? जो हमारी अचानक से, मतलब जो लाइट होती है, जैसे जो आसमानी बिजली होती है, आसमान से जो बिजली गिरती है, अचानक से गिरती है, उसका कोई पता नहीं होता कि वो किस टाइम कहाँ गिरेगी। ओके, और उसका हमारे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है कि हम उसे मेजर कर सकें कि ये हमारे इतने वोल्टेज की होती है, वो एक साथ गिरती है तो जो हमारे मेजर करने वाले इक्विपमेंट होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो हमारा एक इक्विपमेंट है जिसे हम बोलते हैं सर्ज। जो हमारा, मान लीजिए हमने अगर रेजिस्टेंस करना है, सर्ज रेजिस्टेंस बोलेंगे हम, या हमें वोल्टेज करना है तो सर्ज वोल्टेज। तो इस प्रकार हम उस इक्विपमेंट के द्वारा माप कर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम अपने टावर को अर्थ करते हैं। ओके, जिससे कि जो हमारी पूरी वोल्टेज है पृथ्वी में चली जाए। ओके, अर्थ करते हैं और इससे हमारा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को या पशु को हानि ना पहुंचे कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे पहाड़ियाँ जो क्षेत्र होती हैं उनमें नमी रहती है, भूमि या पथरीली, मतलब जो पथरीली भूमि होती है वहाँ सुदृढ़ कठोर में 66 केवी से अबव लाइन में। अब जो हमारी 66 केवी की जो लाइन होती है उनसे ऊपर की लाइन में हम इनको अर्थ करते हैं। अर्थ तो हम हर जो सारी लाइन होती है उन सब में करते हैं, बट इसमें भी अर्थ करते हैं। ओके, ये है हमारा स्टील पोल। देखिए, ये इस प्रकार के होते हैं स्टील पोल, देख लीजिए इनका डायग्राम, देखिए। ओके, यस, तो ये है हमारा स्टील पोल। अब है हमारा ये टावर के निर्माण से जस्ते द्वारा जस्तीकृत इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अब जो टावर है, टावर के निर्माण से हम जस्तीकृत इस्पात का प्रयोग कर लेंगे, जो हमारा इस्पात है उसका प्रयोग हो जाता है, उसके द्वारा हमारा टावर बन जाता है, तथा उन्हें जंग संचारण आदि से बचाव करने के लिए एंगल चैनल को पॉइंट कर दिया जाता है। अब देखिए, हम इसको, एक हमारा तरीका होता है, हम इसे वातावरण के जो हमारी जंग वगैरह है या इन सब से नमी से बचाने के लिए पेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसमें पेंट नहीं, एंगल चैनल को पॉइंट कर दिया जाता है विदेशों में। तो जो हमारे विदेश होते हैं, कहीं कहीं क्या होता है, एंगल चैनल के स्थान पर क्या कर देते हैं ये लोग, गैल्वनाइज। ओके, गैल्वनाइज ट्यूबुलर स्टील जो सिलेक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, तो जो विदेश हैं, कहीं कहीं पर एंगल चैनल के स्थान पर गैल्वनाइज ट्यूबुलर स्टील सिलेक्शन का प्रयोग भी होता है, जिन्हें वैलिडेटेड कर दिया जाता है। ओके, अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टावर। तो हमें उनका क्लासिफिकेशन जानते हैं। विभिन्न कारकों के आधार पर पोल का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे फर्स्ट है हमारा आधार के अनुसार, जो हमारा नीचे का बेस होता है उसके अनुसार। संकुचित आधार वाला स्तंभ, इसका आधार होता है। ओके, मतलब क्या है, संकुचित आधार वाला स्तंभ। अब नेक्स्ट जो सेकेंड है, विस्तृत आधार वाला स्तंभ, इसका आधार फैला हुआ होता है। इसका जो, मतलब नीचे का बेस है जिस पर हमारा पूरा जो टावर है स्टैंड रहता है, वो पूरा फैला हुआ होता है। अब जानेंगे हम परिपथ के अनुसार, मतलब सर्किट के अनुसार। सिंगल सर्किट टावर, इसमें क्या होता है, इस पर सिंगल सर्किट थ्री लाइन खींची जाती है। डबल सर्किट टावर, इस पर दोहरी, मतलब जो जैसे डबल होता है, डबल सर्किट थ्री लाइन खींची जाती है। ओके, अब है हमारा स्तंभों की संख्या के अनुसार, जैसे पोल है, पोल की संख्या के अनुसार। फर्स्ट है सिंगल टावर, यह केबल एक स्वतंत्र खंभा होता है जो प्राय भारत में प्रयोग होता है, जो सबसे ज़्यादा भारत में प्रयोग होता है, इंडिया में। डबल पोल,
डबल टावर यह दो स्तंभों से जुड़कर बनता है। एग्जाम्पल ए टाइप एच टाइप। ए टाइप एच टाइप मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा दिए हैं, जाकर देख लीजिए। ओके, आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहाँ पर लिंक दिया होगा, उस पर टच कीजिए एंड प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर जो वीडियो आपको चाहिए उसे आप देख सकते हैं। ओके, तो डी है तार, नार तार के अनुसार। ओके, ये है तान, तान तार के अनुसार। तान तार रहित स्तंभ, यह एक स्वतंत्र स्थायी स्तंभ है जिसमें साधने के लिए किसी प्रकार के तान तार की आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक नॉर्मल स्तंभ होता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट तान, उफो, तान तार स्तंभ। यह तान तारों द्वारा सधा हुआ एक पोल होता है, जैसे निवायका द्वारा पोर्टल टाइप एंड फी टाइप ईटीसी। तो ये इस तरीके से हम इनको क्लासिफिकेशन करते हैं। फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्लासिफिकेशन में जो कुछ पोल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।